सिर्फ एक लड़की के लिए चलती है ट्रेन, और ये ट्रेन क्यों चलाई जाती है जानने से पहले मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में बहुत से बच्चे गांवों के उबड़ खाबड़ रास्ते से पैदल स्कूल जाते हैं क्योंकि सड़कें खराब हैं, ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं है। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है दोस्तों, वहाँ की सरकार देश के हर सिटीजन का पूरा ख्याल रखती है। ताज़ा मिसाल वहाँ के एक गाँव की है जहाँ सिर्फ एक लड़की के लिए ट्रेन चलाई जा रही है ताकि वह घर से स्कूल जा सके। जापान ने क्यों लिया यह अनोखा फैसला, आइए हम जानते हैं। मामला जापान के नॉर्थ आइसलैंड होकाइडो पर स्थित एक गांव कामिशिराताकी का है। यहां के रेलवे स्टेशन को 3 साल पहले सरकार ने बंद कर दिया था, लेकिन जब रेलवे के अफसरों को पता चला कि हाई स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की वहाँ से रोज़ाना स्कूल जाती है और स्कूल तक पहुँचाने के लिए और कोई साधन नहीं है, तो अफसरों ने यह इन्फॉर्मेशन रेलवे मिनिस्ट्री को दी। इस पर सरकार ने फौरन लड़की के लिए ट्रेन को दोबारा शुरू करने का ऑर्डर दिया, साथ ही साथ यह भी कहा कि लड़की के ग्रेजुएशन पास होने तक यह ट्रेन जारी रहेगी। ट्रेन का शेड्यूल भी लड़की के स्कूल के टाइमिंग पर ही रखा गया है दोस्तों, यानी जिस दिन स्कूल में छुट्टी होती है उस दिन ये ट्रेन नहीं चलती है। इसके बाद यह रोज़ यह ट्रेन लड़की को लेकर स्कूल जाती है और दोबारा स्कूल से गांव पहुंचाती है। यह स्टेशन मार्च में बंद हो जाएगा क्योंकि तब तक लड़की का ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा। तो है नहीं एक अनोखा पोस्ट, और यह क्या है जानकारी आपको पहले से थी? यस अनो में ज़रूर कमेंट में लिखिएगा।